तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों की एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, ज़्यादातर लोगों के मोबाइल में एक छोटी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, जो कि छोटी सी नहीं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है काफ़ी सारे लोगों के लिए। ठीक है, तो आज मैं एक उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला हूँ और आप लोगों को मैं उसके बारे में बताना चाहूँगा कि जब आप वो प्रॉब्लम मतलब उस वो एक प्रकार सेटिंग उसको कह सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यदि आप उस सेटिंग को ऑन कर देते हैं तो आपके मोबाइल मतलब बोले टाइप का लगता है, जो आप टच करेंगे उसमें वो बोलेगा। डबल टैप करना पड़ता है आप लोगों को, मतलब बहुत परेशानी हो जाती है। ठीक है ना, उसको चलाने में बहुत दिक्कत हो जाती है। तो मैं आप लोगों को वो पूरी प्रॉब्लम सॉल्व करके बताने वाला हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, जो कि उस सेटिंग का नाम है टाक बैक। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप लोग नहीं जानते तो मैं बता रहा हूँ, उसका नाम है टाक बैक। ठीक है, अगर आप उसको ऑन कर देते हैं तो वो फिर बोलने लगेगा। ठीक है, आपके मोबाइल पूरी बोलने पे काम करेगा। ठीक है, सेटिंग ऑन करेंगे तो वो सेटिंग बोलेगा, मतलब कुछ भी ऑन करेंगे तो वो एक मतलब बोलने पर वो डिपेंड करता है। ठीक है फ्रेंड्स, वो बोलेगा, फिर आप उसको डबल टैप करेंगे, मतलब बहुत सारी परेशानी क्रिएट हो जाती है। तो उसको आपको मैं ऑफ करके बताऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, वो प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व करके मैं बताने वाला हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, और ये सब मैं आपको लाइव प्रूफ के माध्यम से बताऊँगा। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए, आप लोगों को बहुत सारी नॉलेज मिलने वाली है इस वीडियो में। अगर आपके मोबाइल में ये परेशानी है, आपको भी ये प्रॉब्लम आ रही है, तो आप बहुत ही अच्छे से इसको बना सकते हैं, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, बस कुछ सेकंडों में। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर और आप लोगों को दिखाते हैं कि इस प्रॉब्लम को किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही कम समय में आप लोगों को ये सब बताऊँगा। और अगर आप लोगों ने हमारे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, एंड हमारे चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे सबसे पहले। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं और आप लोगों को सारा कुछ बताते हैं। सबसे पहले आपको अपने सेटिंग पे जाना होगा। सेटिंग पे जाने के बाद आप स्क्रॉल करते हुए आइए। देखिए, जैसे मेरा ये अभी चालू हुई है तो स्क्रॉल मैं कर रहा हूँ धीरे धीरे माउस के साथ। ठीक है, तो आप स्क्रॉल करते हुए आइए और यहाँ पर सबसे नीचे आप जाकर देखेंगे तो वहाँ पर आप लोगों को एक देखिए, यहाँ पर एक एसेसिबिलिटी का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप देखिए यहाँ पर पहुँच जाएंगे उसके सभी ऑप्शन पर। ठीक है, तो देखिए नीचे स्क्रॉल करने के बाद आप लोगों को एक टॉक बैक का ऑप्शन दिखाई देगा। ठीक है, जो कि ऑन है। तो देखिए यहाँ पर एक टॉक बैक का ऑप्शन आ रहा है, तो आप लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसको ऑन है अभी, इसको इसी के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आ जाना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए हम आ गए हैं इस पर टॉक बैक पर और ये देखिए ये पूरी तरह से ऑन है अभी। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पर ऑन दिख रहा है ये। ठीक है फ्रेंड्स, तो जब ये ऑन रहता है तभी आपकी ये मोबाइल बोलने लगती है और ये कुछ काम गड़बड़ हो जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सेटिंग ऑन रहती है तभी ये सब गड़बड़ी होती है। ठीक है, तो आप लोगों को इसको ऑफ़ कर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑफ़ करने के लिए आप लोगों को कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिंपली अभी ये जो ऑन वाला ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, जहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ऑन का ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, यहीं पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स जैसे कि देख सकते हैं मैं अभी ऑन पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर देखिए इसको स्टॉप यानी कि बंद करने के लिए बोल रहा है, कैंसिल और ओके का ऑप्शन देख रहा है, तो आपको लोगों को इस पर ओके कर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि ये अब बंद हो जाएगा, अब ये बोले वगैरह कुछ नहीं करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपका मोबाइल सिंपल वैसे जैसे चलता है तो वैसे चलने लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, देख सकते हैं अब ये आइकन भी नहीं बना रहा है, देखिए नहीं तो पहले आइकन बना देता था चलने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, देख सकते अपने मोबाइल के एसेसिबिलिटी ऑप्शन में जाइए और वहाँ पर आपको मिलेगा एक टॉक बैक का ऑप्शन। ठीक है फ्रेंड्स, जो कि ऑन होगा, अगर आपके मोबाइल में ये प्रॉब्लम है तो वो ज़रूर ऑन होगा, मैं आप लोगों को बता सकता हूँ। ठीक है, कह सकता हूँ ये। ठीक है, तो अगर वो ऑन है तो उसको आप लोगों को ऑफ कर देना, बस यही एक छोटी सी प्रॉब्लम इसके वजह से होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर टॉक बैक ऑन होगा तो ये प्रॉब्लम आपको आ जाएगी, यानी कि बोलने लगेगी आपके मोबाइल। ठीक है, जो कि बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं उसमें चलाने के लिए। ठीक है, जो कि जिनके मोबाइल प्रॉब्लम हुई होगी वो खुद ही जानते हैं, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि किनके किनके मोबाइल में ये प्रॉब्लम अभी तक आ चुकी है। ठीक है फ्रेंड्स, मेरे मोबाइल में तो थी, इसलिए मैं इसको सॉल्व करके आप लोगों को भी बताया और मुझे भी तो पता ही चल गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी प्रकार से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं बहुत कुछ सेकंड में। ठीक है, करता हूँ फ्रेंड्स, आप सभी को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा और आप लोगों को ये जो मैंने टिप्स बताई है ये आप लोगों के काम आएगी और ये मतलब पूरी तरह से रियल है। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने इसमें आप लोगों को कुछ फेक तरीका नहीं बताया है, आप लोग इसको यूज़ कीजिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, 100% क्लियर है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक जरूर कीजिएगा एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी को। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।